सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर. दोस्तों, कल 27 अप्रैल का दिन वसई विरार की राजनीति के लिए काफी अहम दिन साबित हुआ. दरअसल कल ही के दिन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वसई के तुंगारेश्वर में बाबा सदानंद योगी महाराज के कुछ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. उस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़कर वसई विरार की राजनीति में अपने कदम बढ़ा रही आगरी सेना के नेता कैलाश पाटिल से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, उनके पत्र को एक्सेप्ट किया और एक बयान वहां से दिया, पब्लिकली ये बात ऐलान की कि उनकी जो कुछ समस्या है उसके ऊपर मंत्रालय में हायर लेवल की एक मीटिंग की जाएगी और उस मीटिंग में उनकी समस्याओं को रखा जाएगा. जाहिर सी बात है, यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है और मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर ऐसी पार्टी के नेता से मुलाकात की जो फिलहाल अपने प्रारंभिक स्टेज में है. महाराष्ट्र राज्य के कुछ राज्यों में आगरी सेना इस समय काफी अपने आप को बढ़ा रही है और ये बात मुख्यमंत्री भलीभांति जानते हैं. आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल, जिन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी कि उनकी शिकायतों पर कुछ मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने उस नाराजगी को दूर करने कल प्रोटोकॉल को तोड़ा. जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल काफी कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ समय के दौरान हो चुका है, हम सभी जानते हैं. जो महाराष्ट्र की राजनीति में सालों से चली आ रही शिवसेना थी, उसके दो भाग हुए. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना गुड़ बनाया और फिर नई सरकार बनी जो आज भाजपा के गठबंधन से जारी है. लेकिन इस सरकार पर भी अभी तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता है, तलवार लटकी हुई है. यह बात खुद मुख्यमंत्री भलीभांति जानते हैं. साथ ही साथ जब शिवसेना से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अलग हुए तब एक धड़ा उनके साथ आया, लेकिन शिवसेना का एक धड़ा आज भी जो पुरानी शिवसेना है उद्धव ठाकरे गुट की उसके साथ है. इस बात की कल्पना भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बेहद अच्छी तरह से. और रही बात आगरी सेना की, तो आगरी सेना का मुख्य उद्गम स्थल है ठाणे जिला. ठाणे के साथ में पालघर जिला भी सटा हुआ है और ये कोंकण का जो पट्टा है, कोंकण विभाग का, यहां पर आगरी सेना इस समय सशक्त हो रही है. तो ठाणे जिला ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का होम जिला भी है, होम टाउन भी है. और कहीं न कहीं ठाणे जिला और पालघर जिला में इस तरह से आगरी सेना की तरफ कदम बढ़ाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आने वाली भविष्य की राजनीति का कुछ नया समीकरण जोड़ने की कोशिश की है. अब यह तो समय ही बता पाएगा कि ये कल की मुलाकात कहां जाती है, लेकिन फिलहाल आगरी सेना मुख्यमंत्री के इस प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने की घटना से काफी गदगद है और इसको बेहद अच्छी तरह से भुना भी रही है. देखिए मुख्यमंत्री का वो वीडियो और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने उस वीडियो में कहा था, वो सुनिए आगे. अभी के लिए इतना ही, नमस्कार. कैलाश पाटील आणि तुमची सगळी टीम त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि आपण जे काही मला निवेदन दिलेलं आहे या संदर्भामध्ये
मी तुमची मंत्रालयामध्ये तातडीने एक बैठक लावतो. या बैठकीमध्ये सर्व जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना बोलवतो, संबंधित मंत्री बोलवतो आणि त्या बैठकीमध्ये आपण आपल्या निवेदनावर जे जे काय आपले मुद्दे आहेत त्याच्यावर मार्ग काढू. सरकार तुमचंच आहे, सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे, त्यामुळे आपल्याला जे काय आपले प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचं काम आपलं सरकार करेल एवढंच आपल्याला मी आज या प्रसंगी सांगू इच्छितो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786